पीजी में लगभग कितने दिनों से है? मेरे तो समथिंग 1 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा, एक साल हो हाँ, गए। पूरा हो गया। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, घर की फीलिंग आती है यहाँ पर तो। अच्छा, हाँ, हाँ सब हाँ जो भी है खाना, यार। जैसे कि आपको खाना हो गया, ये बैटरी बैकअप हो गया, यहाँ का मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है, यहाँ का केयर टेकर भी बढ़िया है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है यहाँ का। अच्छा, इसलिए हम लोग मतलब सभी लोग जो आते हैं यही देखते जी हैं जी यहाँ, इसलिए रहते हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, नेट जी चल रहा है? जी 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 आपके पास ये पीजी अभी आपके पास कितने अवेलेबल है अभी? अच्छा, पीजी मेरे पास अवेलेबल है, काफी सीट है, डबल ये सेलिंग की भी, थ्री सेलिंग की भी। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं हम यानी कि पहुंच चुके हैं सेक्टर 63 में, और जस्ट आप देख सकते हैं आज ही पहुंच चुके हैं यानी कि मोनू पीजी पे। और यहाँ पर देख सकते हैं मोनू पीजी का यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, और आप बिल्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे जो पीजी है। यहाँ पे गर्ल्स और बॉय यानी कि दोनों के लिए इसमें अभी काफी पैमाने पे यहाँ पे रूम भी अवेलेबल है और पीजी भी अवेलेबल है। तो आप अगर रूम ढूंढ रहे हैं तो ये काफी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो आपका जो मेट्रो जो है ना, फिर बिल्कुल सामने, मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, ये लो हाथ के बिल्कुल सामने जस्ट मेट्रो स्टेशन है, जो आपका 59 का मेट्रो स्टेशन है। लोकेशन बेस्ट है और पीजी भी आपको बेस्ट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉय और गर्ल्स यानी कि मोनू पीजी है, बॉय और गर्ल्स इसमें रूम अवेलेबल है। बाकी कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होगा मैसेज में कर दूंगा। और यहाँ पे लेडीज और यानी कि जेंट्स यानी कि दोनों को इसमें भी इसमें आके रह सकते हैं। और बाकी बात करते हैं, रूम भी अवेलेबल है। और चलते हैं अब सीधे हम आपको अंदर के जो भी है हम दिखाते हैं, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। और भी रूम पे बात भी करेंगे और सर से बात करेंगे, तो इसमें रूम का आने का प्रोसेस क्या रहेगा, और इसमें किसी यहाँ पे जो ऑलरेडी जो इसमें लड़के रह रहे हैं हम उनसे भी जानकारी लेंगे, तो इसमें पीजी में आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है। तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। काफी दिनों से आप रूम ढूंढ रहे थे और पीजी ढूंढ रहे थे, तो आज हम आपके लिए सबसे सस्ता और बेस्ट पीजी हम लेकर आ चुके हैं, यानी कि हम आज पहुंच चुके हैं सेक्टर आपको 63 में। अब बात करते हैं, आज हम पहुंच चुके हैं यानी कि मोनू पीजी पे, और यहाँ पे बहुत ऐसे लड़के जो है यानी कि नोएडा में पीजी और आपका ये रूम ढूंढ रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, तो इस मोनू पीजी में आप आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भैया मौजूद है, काफी दिनों से ये 1 साल से ये है यहाँ पे ऑलरेडी, इसमें ये रहते हैं भैया। और यहाँ पे फैसिलिटी क्या है अभी हम इनसे भी जानकारी लेंगे, तो वीडियो के साथ साथ बने रहे। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से आप मेरे चैनल पे नए नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। आई होप आप नए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जानकारी उन्हें भी मिल पाए, उन्हें भी अपडेट मिल पाए। तो बेगर देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो के साथ साथ बने रहें। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं यानी कि आज मोनू पीजी पे, और देख सकते हैं यानी भैया मौजूद है, अभी हम इनसे भी जानकारी लेंगे। और बात करते हैं, ये 3 सेलिंग है ये। चलिए सीधे हम बात करते हैं भैया से। हाँ जी भैया, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? भूपेंद्र। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? मैं तो एटा का रहने वाला हूँ, यूपी से। एटा मैनपुरी। जी 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 अच्छा जी अच्छा मैनपुरी के नाम से ज्यादा लोग जी जानते जी हैं। जी तो बात करते हैं, आप इस पीजी में लगभग कितने दिनों से हैं? मेरे तो समथिंग 1 साल हो गए मुझे यहाँ पर। अच्छा, एक साल हो गए हाँ, पूरे। पूरा हो गया। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, घर की फीलिंग आती है यहाँ पर तो। अच्छा, हाँ हाँ, सब हाँ जो भी है खाना, यार। जैसे कि आपको खाना हो गया, ये बैटरी बैकअप हो गया, यहाँ का मेंटेनेंस बहुत बढ़िया है, यहाँ का केयर टेकर भी बढ़िया है, मैनेजमेंट भी बढ़िया है यहाँ का। इसलिए हम लोग मतलब सभी लोग जो आते हैं यही देखते हैं यहाँ, इसलिए रहते हैं। फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, नेट चल रहा है? जी 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 अच्छा, बात करते हैं, इसमें आप इसमें डबल सेलिंग है, ट्रिपल सेलिंग है ये? ट्रिपल अच्छा, सीरिंग है ये। ट्रिपल सेलिंग है, तो इसमें ट्रिपल सेलिंग का भी चार्ज का आपको दे रहे हैं 6500 रुपये लगते हैं ट्रिपल, मतलब पर हेड। पर हेड को? जी अच्छा, तो आपको खाना क्या खाना कैसा लग रहा है आपको? खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। और अच्छा, तो जी, 3 टाइम खाना खाना मिलता है यहाँ पर। 3 टाइम खाना मिलता जी है, तो ये सुबह खाना आपको कब मिल जाता है? सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है, 10 बजे तक। अच्छा, उसके बाद जो दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक। जी नहीं मान लीजिए दोपहर में जो आदमी खाना नहीं चाहता है तो लंच पे करके ले जा सकता है? जी 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 अच्छा, फिर रात में डिनर जी होगा। जी जी अच्छा, बाकी पानी उनी का कोई दिक्कत ना, नहीं कोई है? दिक्कत नहीं है यहाँ पर, अच्छा, बहुत बढ़िया है यहाँ से। इसका जो मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छे हैं, जो लड़के यहाँ पर रहते हैं केयर टेकर हमारे, बहुत बढ़िया हैं वो। इसमें अभी लड़के आप बाकी ड्यूटी गए हैं क्या? हाँ, ड्यूटी गए हैं वो लोग। अच्छा, आप ये होम वर्क करते हैं? मैं तो ट्रांसपोर्टर हूँ यहाँ पर, मैं अच्छा, ट्रांसपोर्ट में काम करता हूँ इसलिए। तो रूम से ही काम होता जी होगा? जी जी फोन से ही होता रहता काम मेरा। अच्छा, फोन से ही होता है। जी अच्छा, काफी ऐसे होते हैं हमारे पास, काफी ऐसे लड़के जुड़े हुए हैं जो रूम ढूंढ रहे हैं और उन्हें जानकारी ना मिलने कारण इधर भटक रहे हैं, तो इन्हें हम सोच रहे थे कि क्यों ना चल के एक वीडियो बनाया जाए, ताकि जानकारी लोग पास पहुंच पाए। बिल्कुल इससे बहुत सहायता मिलता है, लोग आते भी है और आए भी है। अभी काफी ऐसे लड़के हैं जो देख देख कर आए हैं, लड़कियां भी आई हैं, तो इसलिए हम लोगों को जानकारी के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आपको ये जानकर कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो लड़के बाहर से आ रहे हैं, नहीं जानते, नए नए यहाँ पर, तो उन लोगों के लिए जानकारी अच्छी है। वो लोग देखेंगे आपके यूट्यूब चैनल पर तो बढ़िया लगेगा, मुझे ही बढ़िया लगेगा। जो लड़के भटक रहे हैं यहाँ पर, नहीं कुछ संसाधन उनके पास रहने के लिए, आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी उन लोगों को। जी, बेड लगा हुआ ही बिल्कुल मिला है आपको? हाँ, बेड लगा हुआ मिला है। मिला हुआ है जी, लगा सब। जी जी, ये वॉशरूम है मेरा। अच्छा, वॉशरूम है ये। अच्छा, ये तीन आदमी के लिए, ये सामान रखने के तीन आदमी का दराज होगा। जी जी जी। खाना वाना भी खुद बनाते हैं क्या इधर? मन चले तो बना सकते हो आप। अच्छा, कभी कभी मौजूद है? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पे किचन भी है, किचन भी है। आप अगर आप बनाना चाहेंगे तो आप किचन भी आप अपना पसंद से खाना भी बना सकते हैं, चाहे पानी गर्म हो गया, चाहे चाय वगैरह दूध वगैरह गर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इजिली। आपको किचन भी मौजूद है, बाकी यहाँ पे अंदर अभी मैं मौजूद हूँ। हकीकत बता रहे हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ठंडक महसूस भी हो रही है। और चलते अब यहाँ पे भैया मौजूद है, जो यहाँ पे पीजी कैसे बुक करना है, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, और कितने इसमें कैंडिडेट को इसमें अभी इनके पास अभी रूम अवेलेबल है और पीजी अवेलेबल है। चलिए सीधा हम इनसे बात करते हैं, तो वीडियो के साथ साथ बने रहे। गाइस देख सकते हैं अभी हम यहाँ पे भैया मौजूद है, और चलिए हम इनसे जानकारी लेंगे तो ये पीजी में इसका प्रोसेस क्या रहेगा, सीधे बात करते हैं। हाँ, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विमल है। विमल नाम है, बात करते हैं आपके पास ये पीजी अभी आपके पास कितने अवेलेबल है अभी? पीजी मेरे पास अवेलेबल है, काफी सीट है, डबल शेयरिंग की भी, थ्री शेयरिंग की। लड़के लड़के का दोनों ही? हाँ दोनों का, दोनों की आ सकते हैं। तो इसका बात करते हैं, इसमें प्रोसेस इसका क्या रहेगा आने का? आने का इसमें कुछ नहीं, अपना 2000 रुपए सिक्योरिटी लगेगी तुम्हारी। अच्छा अच्छा, और 6500 रुपए रेंट लगेगा। तो 6500 रुपया ये कैसा लगेगा? डबल एडवांस ट्रिपल शेयरिंग में? हाँ ट्रिपल शेयरिंग में लगेगा, डबल शेयरिंग में 7500 रुपए लगेगा। अच्छा, डबल में 7500, ट्रिपल में 6500। तीन टाइम खाना मिलेगा डेली का, तीन टाइम खाना, बाकी वाईफाई, पावर बैकअप, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, सब कुछ सुविधा सब अवेलेबल है। अच्छा, तो ये वो बात करते हैं, एसी भी अवेलेबल होगा? हाँ जी, एसी वाला भी अवेलेबल। एसी वाले का रेंट थ्री सेलिंग का 8000 रुपए होगा, डबल सेलिंग का 9000 रुपए होगा। डबल सेलिंग का 9000 रुपए? अच्छा, डबल का 7500। बात करते हैं इसमें सर, इसमें कूलर भी है या ऐसे? हाँ कूलर, कूलर है, कूलर का चार्ज है 500 रुपए का। अच्छा अच्छा, अलग से चार्ज है? हाँ, और ये पंखा का तो कुछ होगा नहीं इसका कोई? अच्छा, बैटरी बैकअप सब तो सही सब कुछ। इसमें बात कर लीजिएगा, इसमें प्रोसेस जो है, आएंगे जो लड़के तो उनको क्या क्या पे करना पड़ेगा? आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स में क्या लेंगे? डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड होगा, एक फोटो होगा, एक फोटो होगा। और उसका एडवांस जो भी है, तो एडवांस पूरे मंथ का देना पड़ेगा? हाँ, पूरे मंथ का 2000 रुपये सिक्योरिटी, और जो तुम्हारा रेंट है वो देना पड़ेगा। अच्छा, रेंट पूरा देना पड़ेगा, 2000 रुपये सिक्योरिटी भी देना पड़ेगा, उसके बाद रहना है, फिर अगले बार नेक्स्ट में फिर पेमेंट देना होगा? हाँ, फिर खाली रेंट रेंट देना होगा, खाली रेंट देना होगा। आइए, जो आपकी सिक्योरिटी जो आप लोगे फिर वापस वो रिफंड हो जाएगी, जो आप छोड़ के जाओगे 15 दिन पहले बतानी पड़ती है उसे। अच्छा, बताना पड़ेगा? हाँ, तो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। अच्छा अच्छा, ये बाकी ये ट्रिपल शेयरिंग का ये है? ये ट्रिपल शेयरिंग का है। अच्छा, आपके पास डबल भी होगा? हाँ डबल भी है, और सिंगल भी? सिंगल भी। सिंगल प्राइस क्या होगा? सिंगल का 14000 रुपये होगा। अच्छा अच्छा, तो उसमें एसी वगैरह सब होगा? नहीं एसी नहीं होगा, नॉर्मल रूम होगा। नॉर्मल एसी वाला पड़ेगा आपको 16000 रुपये का। अच्छा, 16000। खाना पीना सब तो वही होगा, सेम वही होगा। हाँ। इसमें ये लड़का के ही अलग हो सिस्टम, या लड़की का कुछ अलग है छूट? छूट मतलब जैसे लड़के का जितने पे करना होगा उतना लड़की को भी करना, या कुछ? हाँ, हाँ, सबके लिए सबके बराबर सेम है। आपके पास रूम भी अवेलेबल होगा? रूम भी अवेलेबल है, खाली सिर्फ रूम, पीजी नहीं? हाँ खाली रूम। हाँ, तो रूम का क्या प्राइस होगा? रूम हमारे पास 7000 से स्टार्टिंग है, दूसरी बिल्डिंग में 7000 वाला, इसमें फिलहाल 10000, 11000, 12000, 13000 ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी जो भी आपका नंबर होगा मेंशन कर देंगे, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद में आपको आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सर का जो भी नंबर होगा, कॉन्टेक्ट नंबर होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो काफ़ी अच्छा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल किसी वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के बस इतना ही।